एक से सेकंड प्लस लगा दी डांगा लगा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सेटल जी। देखो जी मेरी एक सब तो पहले एक बेनती है, हुनी मैं बच्चों को मिलके आया, एक सेकंड सुन लो दोस्त, सुन लो दोस्त, सुन लो, तुसी जेड़ा कह रहे हो ना मीडिया के अंदर थोड़े कुछ साथी गए भी, पर प्रॉब्लम ये होती है इस वक्त जो बहुते बच्चे हुन आ रहे ने हॉस्पिटल, उन्होंने ना तो लूज मोशन है ना वोमिटिंग, वो घबराहट नाल आ रहे हैं। सब बच्चे ने जी, बच्चे मासूम होंगे ने, नाजुक होंगे ने, तो इस वक्त जो पेशेंट, इस वक्त जो पेशेंट्स आ रहे ने वो पैनिक करके आ रहे ने, मेरे बच्चियों नाल बहुत डिटेल च गल हुई है, वो कहते एक दूजे को देख के घबराहट हो रही है, हुण भी मेरे नाल भी असी बहुत घट लोग अंदर गए हैं, तो उहदे नाल उहनां नूं पॉजिटिव महसूस हो रहा, बच्चों इस वक्त ना लूज मोशन की ना वोमिटिंग की, सारे वाइटल्स नॉर्मल ने, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है ना। इस करके बेनती है थोड़े विच कोई दो साथी, एक साथी कहूँगे मैं नाल लै जांदा, पर जो एक सैकेंड दोस्त एक सैकेंड सुन लो, जो इन्ने जने जाते हैं ना उन्होंने लगता बार बार खबरां देख के भी सानूं पता नहीं की हो गया की हो गया, तो घबराहट है बच्चिया ने ज्यादा, घबराहट हो सकती है जो साथी सवेर के इतने फिरते दोबारा थोड़े नाल गए उन्होंने कोई घबराहट नहीं, उन्होंने भी बाहर नहीं लैके गए, तुम अपना सुन तो लो दोस्त, अंदर 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 देखो मेरी, फिर देखो मैं थोड़ा फिर कह रहा अंदर कोई नहीं गया, अंदर कोई नहीं गया, थोड़े विचों अपनी सहमति नाल कोई दो या तीन साथी कह दो, मैं फिर एक बारी ले जाऊंगा, तुम बार बार ही गेड़े लाई जाओगे, नहीं मैं तो इतने रुकूंगा, जो कहते हैं पांच बंदे चलो अंदर, कोई पांच नहीं कोई दो या तीन दोस्त बन के अपने वालों जिहड़े भी थोड़ी सहमति होवे तुसी दस दिओ, मैं नाल चलूंगा, सानू दस दो जी की सैकेंड चीज, हाँ आ जाओ, सैकेंड चीज ये है जी, कल देर राती बच्चियां वालों कुछ बच्चियां वालों कंप्लेंट हुई सी, फूड पॉइजनिंग दी कंप्लेंट सी, उन्हां विचों जो शुरुआती पहला बच्चे आए सी वो 20 बच्चे सी, 20 बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए सी, उन्हां विचों सवेरे 16 नूं छुट्टी हो गई सी, बाकी 4 भी इस वक्त ठीक ने, उस तो बाद हुण सवेर तो लैके वही जिवें मैं तुहानूं दस रहा पैनिक करके बच्चे कह रहे हैं कि सानूं घबराहट हो रही है, तो तकरीबन इत्थे 25-30 बच्चे होर लैके आए ने, उन्होंने सब नूं मिले हैं, सारे स्टेबल ने, सारे कॉन्शियस ने, तो बहुता जिहड़ा हुण केस है इत्थे घबराहट दा है, एक एक करके पैनिक, एक सैकेंड दोस्त मैं पूरे पूरे दोस्त पूरे मैंने पूरा कर लैन दो, जो भी थोड़े सवाल होंगे उन्हें जवाब देवगा, मैं बार बार कह रहा सैकेंड ये एक पार्ट है, दूजा हिस्सा ये है कि जिहड़ा कॉन्ट्रैक्टर सीगा उसनू अरैसट कर लिया गया, FIR हो चुकी है, उसका जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वह कैंसल कर लिया गया, पंजाब दे विच 9 मैरिटोरियस स्कूल होर है, 9 दे प्रिंसीपलों के नाल मैं गल की है, कितने इदा की कंप्लेंट नहीं है, पर फिर भी प्रिकॉशन तो असी अपने DOs तो सिविल सर्जनस सेहत महकमा तो सिक्ख्या महकमे की टीम भेज के सैंपल ले ले है, कितने भी कोई कताही होगी वह भी थोड़े नाल उसके एक्शन लिया जाऊगा। मैरिटोरियस स्कूल के फरवरी 2023 का असी एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मंगवाई है, वो थोड़े नाल सांझी कर दिंदा, तुसीं वो कॉन्ट्रैक्ट दियां जे शर्तां पढ़ो तो हर पक्षों असी उहदे विच हर चीज़ माइन्यूटली लिखी है, किस क्वालिटी का खाना आना चाहिए, की फूड मेन्यू होना चाहिए, किवें स्टूडेंट कमेटी होना चाहिए, पर इत्थे जो दस्या गया कि दिवाली तो बाद स्टाफ जो बच्चियां ने दस्या, दिवाली तो बाद जिहड़े है इस कॉन्ट्रैक्टर ने अपना स्टाफ बदलिया या भज गया जो भी ये जांच का विषय है, उस तो बाद दिवाली तो बाद लगातार खाना जिहड़ा है वह माड़ा मिल रहा है। बच्चियां ने यह भी दसिया कि कुछ बच्चियां इदां दियां ने जिहड़ियां बेचारियां 2 दिन तो कुछ खाधा ही नहीं, डर दे नाल उन्हें कुछ खाधा ही नहीं, तो 2 दिन तो भुखिया ने, बहुते बच्चे तो होने जिहड़े हुण इह नहीं कि जिहड़े रात वाले खाने का बीमार होए ने, बहुती बच्चियां वह ने जो 2 दिन तो बेचारियां भुखियां ने जिन्हें कुछ खाधा ही नहीं, जो बंदा 2 दिन कोई बच दोस्त दसता रहे ना जी, माड़े क्वालिटी का जो खाना उत्थे दसिया गया कि जिवें राती भी जो मेन्यू है वो मट कहन तो मटर पनीर दाल सूजी का हलवा कहन, पर उदे विच्चों जो बच्चियां ने दसिया कि सूंडी तो असी कहिंदे असी पिछले कई दिनों तो यानी प्रिंसीपल नूं वार्डन नूं अपने टीचर्स नूं असी शिकायत कर रहे सी, सानू बल्कि कल टीचर्स ने विश्वास दवाया कि जी खाना दोबारा सिट के दोबारा बनया तो असी खाधा, ये बड़ा सिंसेयर ये बड़ा एक गंभीर जिहड़ा विषय है। बच्चे दोस्त जी जी मैरिटोरियस के
या साडे महकमे दे जिहड़े जिहड़े वी टीचर जिनी कारवाई नहीं कीती उहनां ते वी एक्शन लवांगे। मैं तां आप कह रहा बड़ा गंभीर विषय है पंजाब दे विच तुसीं नो मेरिटोरियस स्कूल दसे ने किहड़े जी मैं दोस्त मेरी बेनती सुनो फिर मेरी एक सैकेंड सुनो मैं तुहानूं फिर कहा यह एक रेजिडेंशियल स्कूल ने जिहदी दोषी पाया गया उत्ते कारवाई करांगे। अज इस वक्त सानूं उन्हां टीचर ते प्रिंसीपल दी वी लोड़ आ उह मैनेज कर रहा मैं उन्हों भी कर देव बच्चों के नाल एक रिश्ता होंगे। दूजी गल फिर मैं थानू कह रहा ता ही मैं थोड़े मैं कई मैरीटोरियस स्कूलों जाता रहा मैं फ्रो अचनचे चैकिंग भी करता रहा जोड़ा मैरीटोरियस स्कूल है डे बोर्डिंग स्कूल हों बहुत गरीब घर के बच्चे इतने पढ़ते हैं एक वैसा भी बच्चा जोड़ा होमसिक हो जाता जो भी कोई गल आती है उन्होंने इदा की कोई गल आती है अपने घरद की याद आती है तो बहुते बच्चे इस वक्त होमसिक भी है वो अपने माता पिता 11 महीने हो गए ठेका देते हैं 11 महीने च कितनी बार फूड तुम्हारे वालों चैक किया गया डिपार्टमेंट वालों चैक किया गया पंजाब के 9 स्कूल ने 9 स्कूलों के विचों कितनी बार कौन से स्कूल का तुम सैंपल भरया मेरी थानू फिर बेनती है जी मेरी देखो दूजी गल जिहड़ी कह रहे हो कि मैं खुद हर स्कूलों जाके जिथे जिथे भी जाता मिड डे मील भी छकदा मैं फिरोजपुर के मैरीटोरिया स्कूल च गया सीगा अचनचे चैकिंग उत्थे मैं जाके देखिया कि जिहड़ी जदों मैं गया जिहड़ी चाह मैं खुद पीती मैनूं लगे चाह बहुत पतली है ये गल हैगी तकरीबन 5-6 महीने पुरानी उस तो बाद मैं एक्शन लिया तो उस स्कूल दे विच मैं अपनी ईमेल आईडी लिख के लैके देखिया बच्चों कि अपनी ईमेल आईडी निजी ईमेल आईडी कि अज तो बाद जे बच्चों कोई कमी आए ठीक है वो दस्यो साडे इहदे विच जिहड़ा तुसीं कॉन्ट्रैक्ट है उहदे विच प्रावधान भी है कि अगर एक भी दिन खाना माड़ मैं थोड़े कॉन्ट्रैक्ट साझा कर दिता क्वालिटी तो थोड़ा जहा भी थले बनता तो 10,000 रुपये का जुर्माना प्रिंसीपल को पावर है। इस केस दे विच साडे कोल कंप्लेंट ही नहीं आई सर एक बड़ा सवाल है जी ये जी ये जी कंप्लेंट टेंडर दे उत्ते लिमिट नहीं ला सकते मेरी जो मैनू समझ है मैं चेक जो किसी भी चीज़ ला नहीं सकते। एक चीज़ जरूर जो मैं इस तों बाद नोटिस की है असी की करते हैं जी असी खाने की शर्त रखती हैं जो मैनू लग्या बहुत मेजर कमी आई है जो असी खाने की शर्त रखती हैं भी खाना इस क्वालिटी का होना चाहिए चाह पत्ती ये वरतोंगे दुध तुसी वेरका दे वरतोंगे पर असी टेंडर करते हैं खाने का टेंडर का भाव यह है कि केड़ा सब तो सस्ता होगा उत्थे किते क्वालिटी का जिहड़ा है वो मैच नहीं जानी टेंडर पाया तो जिहड़ा सब तो सस्ता आ गया उन्हूं असी देता तो क्वालिटी की जिहड़ी चैकिंग है तो असी जिहड़े टेंडर रिव्यू करके भी क्वालिटी शुड बी प्राइम चाहे कोई 5 रुपए वध जिहड़ा जिहड़ा बंदा थानू सस्ता दूगा इहदा मतलब वो कितों ना कितों तो पैसे ये पूरे करूगा वो कितों फिर ऑब्वियसली खाने की कटौती कर सकता क्वालिटी चो पैसे बिटाऊगा या होर जिवें मैं पता किया 3 स्कूलों मैं थोड़ा दस दिना असी एक्शन ले लिया 3 स्कूलों के विचों मैं सारे मैरीटोरिया स्कूलों के प्रिंसीपल ने गल की है बाकी सब जगह ठीक है पर 3 स्कूलों के विच इदा पाया गया वह भी यही वेंडर है जिथे वह दिवाली तो बाद स्टाफ भजन तो बाद एक अनट्रेनड बंदे जिवें दिहाड़ी ते बंदे लैके उन्हां तों खाना बनाया जो सुनता लो मैं थोड़ा फिर कह रहा देखो एक एक करके तो सवाल पूछ लो खुला टाइम है एक सैकेंड दोस्त फिर पहला मैंने मेरी गल रख लैन दो 3 स्कूलों जो मैं थोड़ा दस रहा उत्तर अनट्रेनड स्टाफ पाया गया उसके खिलाफ भी असं अच्छा है एक्शन असी ले लिया हूँ इस स्कूल के डीसी साहब साढ़े MLA साहब खुद एक एक बच्चों मिल के माता पिता मिल के हूँ ही आए हैं उतो इस स्कूल ही सके डीसी साहब भी उत्थे ही सबनों मिल के आए हैं सारे बच्चे ठीक ने असी उसनों अरैसट कर लिया तो एक इनकुआरी जी है SDM के लैवल से मार करते हैं फूड सैंपल है जोड़े वो ले लिया हूँ थोड़े सवाल है एक गिनती कितनी है जी बच्चों की पहले तो यह दस दो सारी टोटल गिनती कितनी है जो बच्चे बीमार हुए हैं मैं थोड़ा फिर कह रहा टोटल बच्चे 896 है मैं जोड़े फूड पॉइजनिंग की शिकायत न आए थे वो 20 बच्चे है
इस वक्त जो बच्चे आ रहे हैं तो अपने तीन साथी कोई मेरे नाल चल पे थोड़ा मेरा वो बच्चे एंग्जाइटी वाले है टोटल एंग्जाइटी का फूड पॉइजनिंग हम पूछो पूछो एक सेकंड रुक जाओ सुन लो मेरी गल एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड टोटल दस देने सुन मैं एग्जैक्ट एक सेकंड रुक जाओ कितने बच्चे ऐसे मैं सामने पूछ के दस दूं हालात खराब ने बच्चों भेज रहे पैनिक वाले तो हॉस्पिटल नहीं भेजन नहीं टोटल 73 बच्चे है जो हम तक हॉस्पिटलाइज हो तो सारे टोटल 73 बच्चे ने जो डीसी साहब ने दसिया जो सैकेंड थानू गल है दोस्त ये होंगे कि कोई बच्चा जिहड़ा कहूगा कि मैंने कुछ भी उन्होंने प्रकॉशन तो असं हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं इस वक्त जिन्हें भी बच्चे नाल तुसी मेरे नाल चलो दे आर वैल दे वो ठीक ने कॉन्शियस ने गलबात कर रहे हैं बहुते बच्चे घबराए हुए ने उन्होंने पूछा की दिक्कत सी मैं पूछा की तकलीफ भेट नहीं जी सानू सारी दिक्कत आ रही मैं पूछा क्यों दिक्कत आई जो नाल दे बच्चे नू देख के तो तुसी चल पे थानू आप थानू पूरी तसली करावांगे देखो ये कोई मेरी एक होर दोस्त एक सब आप सब नू बेनती है ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं ये बच्चे रब दा रूप है तो पहली गल जिहड़ी कोताही हुई है ये ना बख्शन योग है दूजी गल ये सब बच्चे जिहड़े है ये साढ़े बच्चे ने इस दे उत्ते कोई ये नहीं कि राजनीति करन इत्थे पहुंचे या ये करन पहुंचे इन्हां दी जिम्मेदारी है तो बच्चों ने जो दसिया बेचारे ने हुण ये भी पूछा क्यों नहीं दसदे जी तुसीं वो कहिंदे सानूं लगदा सी अज ठीक हो जूगा कल ठीक हो जूगा कि कोई तुसीं मैनूं मेल कर देंदे बहुत सारे बच्चे थानूं मैं दस देना पहला सिक्ख्या मंत्री है मैनूं रोज़ मेलां आउंदियां ने मैनूं रोज़ इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते मैसेज आउंदे कि साडे स्कूल च आ कमी है ते असीं उत्ते एक्शन लैंदे हां साहब एक सवाल है जी दोस्त दसो दोपहर दे 12 बजे तक किसी भी बच्चे नूं अपने मां-प्यो कोल फोन नहीं करन दित्ता गया जी ओहदा जिम्मेवार कौन है स्कूल दे दोनों गेट बंद कीते गए गल बैंस साहब एक पंजाब सरकार एक पोर्टल बनावे जेड़ा हर एक बच्चे कोल होवे जिदे ते ओह अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सके ते जिदे ते कार्रवाई होवे तुसीं कहा भी मैं अपने हलके दे विच सुन लो अपने हलके च नहीं किया पूरे पंजाब पूरे पंजाब दे विच तुसीं किन्ने क हस्पतालां दे विच चेकिंग कीती सर हस्पतालां दे विच स्कूलां दे विच किन्ने मेरी बेनती सुन लो मेरी बेनती जेड़ा थोड़ा पहला सवाल है ओहदा जवाब दे देवां असीं ऑलरेडी इट फी एक फीडबैक फॉर्म अज दे इस तो सीख के ताकि सीधा जिदा डाटा मेरे को आऊगा जिन्हें बच्चे मैरिटोरियस स्कूल पढ़ रहे हैं इस वक्त वो अज उन्हां तक होर अद्धे घंटे तक वो फीडबैक प्रिंसीपल्स ना मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल पर उन्होंने लैके गल हो गई है फीडबैक फॉर्म भेज रहे हैं तो वो फीडबैक फॉर्म इस शर्ती है कि बच्चे तो ही भराना तो सारा फीडबैक फॉर्म असी रात को 8 बजे तक मंगवाए है ताकि असी बाकी स्कूलों भी देख सकी कि पिछले वो फीडबैक फॉर्म भी मैं थोड़े साझा करता प्लस जी तुम गल है दे फिर गल कर लें यार मैं अपने कमेंट तुसी बाद चो दे दियो सैकेंड जिहड़ी चीज़ है कि तुसी जिहड़ा है कि भी हर महीने असी ये फीडबैक फॉर्म नू लाजमी करता जिहड़ा मैं खुद आप चेक करूँगा दूजी गल तुसी कही है जी देखो मैं हुण तक 600 स्कूलों च गया दोस्त थानू दी लिस्ट चाहिए है वो मैं थानू प्रोवाइड करा दिंदा ठीक है ना ये डिस्ट्रिक्ट इस करके कि इत्थे साडे इत्थे ऑलरेडी जिहनू तुसी कह रहे सुपर एक्टिव डिस्ट्रिक्ट है CM साहब ने FM साहब ने अमन अरोड़ा जी ने साडे MLA साहब ने शानदार तब्बर बाकी पंजाब जिवें फाजिलका फिरोजपुर तरन तारण खडूर साहब गुरदासपुर बॉर्डर बैल्ट वो मैं सारी विजिट की 600 दोस्त मैं ये देखो ये लोकल इशू है मैनू जिवें पता लग्या मैं अपने सारा कुछ काम छड़ एक सैकंड मैं इस तो बाद उन्होंने उत्ते भी गल करूँगा जिहड़ा थोड़े उत्ते भी इनकुआरी होगी भी क्यों है दूजी ये हुंदा कि जरूर कि मेरी हुण आप सब नूं बेनती है कि तुसीं इस तो बाद फिर आप कर लांगे थोड़े दो तीन साथी आ जाओ पर बच्चा एक सवाल DO साहब नूं सवेरे असीं गल कीती ओह कहिंदे सेंटर दा स्कूल असीं कुछ नहीं कर सकते सेंटर करूगा जो करना सेंटर दा नहीं साडा DO साहब नूं पुछो जे कि साडा स्कूल ओह कहिंदे स्कूल ही नहीं है DO नूं इही नहीं पता ये पंजाब गवर्नमेंट दा स्कूल है कि सेंटर दा स्कूल है मैं गल क्लियर करो जी जनूं बुला के विजिट कीती है 11 महीने च बच्चा दा सारे सुन लो DO साहब इत्थे हुण दे कितने नेड़े बुला सारेयां दा सार एक सेकंड बुला लो यार प्लीज इस वक्त देखो मेरी फिर तुहानूं बेनती है ये इशूज़ आप कल भी ला सकते हो अपनी अखबारों कल भी लिख सकते हो ये चीज़ा अज आप बच्चों की सुरक्षा से सेहत के बारे गल कर लिए पूछा जी 896 बच्चे सब का हेल्थ चैकअप है एक हेल्थ टीम स्कूल भी बिठा दी गई है DC साहब वालों स्कूल तो बंद करके बच्चे सर दोस्त फिर मेरी गल सुनो जी तुम हम मेरी गल सुनो दोस्त माता पिता का प्रैशर है इतने भी मैं बहुत उन्होंने कह रहा इतने भी हर माता पिता कहता कि सानू हूँ ही भेजो मेरा बच्चा ठीक है छुट्टी कर दो असी जब तक डॉक्टर्स नहीं कहते
मैनेजमेंट देखूंगा असि बल्कि उत्थे जिहड़ा है फिलहाल लंच का डिनर का बंदोबस्त कर दिता एक शॉर्ट टेंडर ला के जब तक नवा खाना जब तक नवा कॉन्ट्रैक्टर नहीं आता तद तक उत्थे रोटी पानी का कोई छुट्टी नहीं अगर कोई बच्चा रहना चाहे वो रह सकता हाँ क्योंकि बच्चा एक एक ह्यूमन थ्यूरी है साइकोलॉजिकल थ्यूरी है बच्चा इदा की घटना तो पर होमसिक हो जाता उन्होंने अपने माता हूँ भी जी बच्चिया ने उन्होंने मैं पूछा की चाहिए कहने बस एक बार साढ़े घर असी जाना चाहते हैं असं अपने घरद्या ना मिलना चाहते हैं वो बच्चा होमसिक हो जाता घबरा जाता इस करके वो है वरना साढ़े वालों बच्चे रहना चाहन इतने रहन हर चीज़ का बंदोबस्त A1 क्लास बंदोबस्त असी करके चलो सर इस घटना तो बाद की प्लान किया जाएगा सर तुम मैं दस्ता दिता जी कि असं फीडबैक फॉर्म जोड़ा है हर एक महीने के अच्छ भी भरा रहे हैं हर एक महीने भरावे।